और रामगढ़ में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। रामगढ़ के पतरातु बस्ती में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन छावनी परिषद मध्य विद्यालय रामगढ़ में किया गया। स्वास्थ्य जांच शिविर में 200 लोगों को निशुल्क ब्लड प्रेशर, शुगर, ईसीजी, जनरल रोग, स्त्री और प्रसूति रोग, दांत जांच, नेत्र जांच, शिशु रोग और स्पीच और हियरिंग जांच भी लोगों द्वारा किया गया। मैं संतोष सोनी, झारखंड स्वास्थ्य मिशन रांची के प्रेसिडेंट, रांची से हूँ। यहाँ पे आज झारखंड स्वास्थ्य मिशन रांची और जीवन वाटिका के सौजन्य से इस यहाँ पे रामगढ़ उत्क्रमिक मध्य विद्यालय में एक निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ पे रांची के मेडिका की टीम पूरी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे जनरल फिजिशियन, महिला रोग विशेषज्ञ हैं, दंत रोग विशेषज्ञ हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, ईसीजी, बीपी, शुगर सभी चीज़ यहाँ पे निःशुल्क दिया जा रहा है, किया जा रहा है। लगभग 150 से 200 रुपये के लोग आ चुके। झरिया में अंचल अधिकारी और भू माफियाओं पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि अंचल अधिकारी और भू माफिया की मिलीभगत से जमीन हड़पने का ये जो पूरा कारोबार है वो चल रहा था। कोरी बांध टीना गोदाम निवासी उषा देवी और उनके पति दीपक कुमार साव ने ये जानकारी साझा की है। इसके लिए पीड़ित उषा देवी ने न्यायालय में शिकायत भी दर्ज कराई है। भीला थाना में धनबाद में 1970 में खरीद किए थे। एक फर्जी वाला आदमी एमपी सिंह गोविंदपुर अंचल के रामजी वर्मा सीओ साहब से मिली भगत से मेरे पिताजी का पंजी टू से नाम हटा दिया गया है। ऑलरेडी 2021 तक मेरे पिताजी के पंजी टू में जमीन दर्ज था। एमपी सिंह एक फर्जी डीड दिखाकर हमसे जमीन मांगने के बहुत तरह दबाव किया। हम जब जमीन नहीं बेचे तो सीओ से मिली भगत से किसी तरह भी मेरे पिताजी के जमीन को पंजी टू से नाम हटा दिया गया। इसीलिए हम लोग चारों तरफ लिख पढ़ के दिए, कहीं पर भी कोई कानूनी कार्रवाई हम लोग को नहीं हुआ। इसीलिए हम अपना वाइफ से कोर्ट में सीपी केस करवाए सीओ के प्रति और एमपी सिंह के मामले में।